तो अगर आपका कोई भी ऐसा कंटेंट है YouTube पर जिसके ऊपर कॉपीराइट आ गया है, देखिए कॉपीराइट क्लेम, कॉपीराइट स्ट्राइक, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक, ये सारी चीज़ें अलग अलग हैं। अगर आपने अपने कंटेंट में कोई भी ऐसी चीज़ यूज़ किए जो किसी और का है, किसी और का अधिकार है उसके ऊपर, आपने वो यूज़ किया तो आपके ऊपर आ जाएगा कॉपीराइट। और वैसे ही अभी फ़िलहाल में बहुत से यूज़र्स ऐसे हैं जिनके कंटेंट में या जिनके YT स्टूडियो में देखने को मिल रहा है पब्लिक के आगे लिखा हुआ है शॉर्ट पॉलिसी। शॉर्ट पॉलिसी यहाँ पर इसलिए लिखा हुआ है कि उसके ऊपर कॉपीराइट आ चुका है। वो अफेक्ट तो आपके चैनल पर नहीं करेंगी ज़्यादा, लेकिन वो कॉपीराइट एक तरह से आपका धब्बा बन चुका है। तो अगर आप वो कॉपीराइट हटाना चाह रहे हो, मतलब ओवरऑल आप अपने कंटेंट से कॉपीराइट हटाना चाह रहे हो जो आपने कॉपीराइट कंटेंट यूज़ किया है, तो उसको कैसे हटाएंगे आज मैं आपको लाइव डेमो दिखाने वाला हूँ। एक चैनल ऐसा है जिसके ऊपर कई सारे कॉपीराइट आए हुए हैं, बहुत से ऐसे कंटेंट उसमें यूज़ है जो किसी और के और कंटेंट में कॉपीराइट आया हुआ है, उनके आगे शॉर्ट पॉलिसी लिखा हुआ है। तो चलता हूँ मैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और वहीं मैं सारी चीज़ें आपको लाइव डेमो दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको एक टॉप लेवल पर दिख रहा होगा एक कंटेंट जिसमें लिखा हुआ है कितना अनोखा बंधन है। ये इसी पर आया ना भाई। देखिए सबसे पहले तो आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा, इसमें अगर यहाँ पर कोई ऐसा कंटेंट आया आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिलहाल के लिए जिस कंटेंट पर आया आपको उसको ओपन करना, तो यहाँ पर कंटेंट पर आना है। कंटेंट के बाद अगर आप लॉन्ग वीडियोस डाल लो या शॉर्ट वीडियोस डाल लो उसको चूज़ करना है। मैं यहाँ पर शॉर्ट वीडियोज़ को चूज़ कर लेता हूँ और यहाँ पर देखता हूँ किस पर आया है। एक ये सॉन्ग का टाइटल दिख रहा है, मेरी आस की ये रब के हवाले, इस पर आया हुआ है, तो हम इसको ओपन करेंगे। हम देखते हैं कैसे आया है। तो देखिए लिखा है विजिबिलिटी जो है पब्लिक है, रिस्ट्रिक्शन में नन तो लिखा हुआ है लेकिन इसके आगे शॉर्ट पॉलिसी लिखा है, मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस कंटेंट पे, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं, फिर भी शॉर्ट पॉलिसी लिखा हुआ है, मतलब जब आप इसके अंदर जाकर देखोगे तो आपको कॉपीराइट कंटेंट मिल जाएगा। हम यहाँ पर व्यू मोर करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्ट पॉलिसी नो रिस्ट्रिक्शन। शॉर्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग रिस्ट्रिक्शन तो नहीं लेकिन आपके अंदर कॉपीराइट कंटेंट पाया गया है। अब हम क्या करेंगे, अब YT स्टूडियो से हम हट जाएंगे, अब हम आएंगे डायरेक्ट ब्राउज़र पर क्योंकि हमको ब्राउज़र वाले YT स्टूडियो को ओपन करना है। हम आ जाते हैं ब्राउज़र पर और ब्राउज़र में आपको अपना YT स्टूडियो ओपन करके रखना है। studio.youtube.com आना है, फिर आपको डैशबोर्ड बाय डिफ़ॉल्ट मिल जाता है लेकिन आपको कंटेंट पर आ जाना है। देखिए यहाँ पर लेफ्ट हैंड पर कंटेंट दिख रहा है, डैशबोर्ड के नीचे कंटेंट पर आना है और आपको देखना है जो आपका कॉपीराइट कंटेंट है। देखिए यहाँ पर जो पब्लिक लिखा हुआ है इस तरफ, देखिए पब्लिक लिखा हुआ उसके आगे रिस्ट्रिक्शन लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ पर आपको रिस्ट्रिक्शन में नन के नीचे शॉर्ट पॉलिसी दिख रहा है वहाँ पर आपका कंटेंट में कॉपीराइट पाया गया है, आप उसको सॉल्व करिए। देखिए मेरी आज की क्या आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ नन, उसके नीचे लिखा हुआ जैसे शॉर्ट पॉलिसी, तो आप इसको ओपन कर लेंगे। जैसे ओपन करेंगे आप इसको तो आपका कंटेंट यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, राइट हैंड पर आपको देखने को मिलेगा पब्लिक, इसके नीचे लिखा होगा रिस्ट्रिक्शन नन शॉर्ट पॉलिसी, आपको इस पर क्लिक करना है। फिर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स आएगा जहाँ पर आपको लिखा होगा सी डिटेल्स, सी डिटेल्स पर आपको ओके कर लेना है। जस्ट जैसे सी डिटेल पर क्लिक करोगे एक और डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा, यहाँ पर आपको मिलेगा कि ऐसा कौन सा कंटेंट है जो आपके कंटेंट के अंदर कॉपीराइटेड पाएगा। तो यहाँ पर देखिए म्यूज़िक, ऐसा म्यूज़िक लगा है जिसमें आ चुका है कॉपीराइट, वफा ने बेवफाई ये वाला सॉन्ग लगा हुआ है इसमें आपको मिला हुआ है। अफेक्ट तो कुछ नहीं कर रहा है लेकिन हम इसको रिमूव कैसे करेंगे, आपको यहाँ पर 3 डॉट्स दिख रहा है, आपको यहाँ पर मिला है रिप्लेस सॉन्ग और म्यूट सॉन्ग, दो चीज़ें आप कर सकते हो, एक तो सॉन्ग को रिप्लेस कर सकते हो जो आपका म्यूज़िक है ये वाला चेंज करके आप दूसरा चेंज कर सकते हो, जैसे कि रिप्लेस सॉन्ग पर गए आपको भी यूट्यूब लाइब्रेरी के सॉन्ग्स मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर कई सारे ऐसे सॉन्ग्स आ जाएंगे, आप चाहो तो ये सॉन्ग्स लगा सकते हो, बहुत से आपको यहाँ पर सॉन्ग्स मिल जाएंगे, बट हम इसको कर देंगे डिस्कार्ड और दोबारा 3 डॉट्स पर आएंगे म्यूट। अगर आप रिप्लेस करना चाहते हो तो रिप्लेस करके सॉन्ग लगा सकते हो, अगर म्यूट करना चाह रहे हो तो म्यूट कर दोगे। जैसे आप इसको म्यूट कर दोगे देखिए कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर देखिए म्यूट ऑल साउंड व्हेन सॉन्ग प्लेस, अगर यहाँ पर आपकी वॉइस भी है तो अगर ऊपर वाले में लगा है तो आपकी वॉइस भी म्यूट हो जाएगी, नीचे करेंगे म्यूट सॉन्ग ओनली तो वॉइस तो आपकी वैसे ही रहेगी, आपका जो सॉन्ग आया है जिसमें कॉपीराइट है वो म्यूट हो जाएगा। तो हम सॉन्ग को कर लेते हैं म्यूट, देन हम कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे और म्यूट पर ओके कर देंगे। अब हमारी प्रोसेसिंग होने लगी है, मतलब अभी प्रोग्रेस में है आपका, ये जैसा ही प्रोग्रेस कंप्लीट हो जाएगा आपकी वीडियो फिर से सेव हो जाएगी और जो रिस्ट्रिक्शन आया था वो पूरी तरह से हट जाएगा। आप देखिए यहाँ पर YT स्टूडियो पर दोबारा आप आओगे
हम YT स्टूडियो पर आ चुके हैं दोबारा और इसको देखे रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर जो शॉर्ट पॉलिसी है, जैसे वहाँ से रिस्ट्रिक्शन हटेगा, म्यूजिक म्यूट हो जाएगी, वैसे ही यहाँ पर चेंजेस आ जाएंगे, शॉर्ट पॉलिसी हट जाएगा। आपको दोबारा यहाँ पर देख लेना है और जैसे ही ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ से हट जाएगा आपका मिल जाएगा। आपको यहाँ पर चेक कर लेना 2-3 बार में। चलिए, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, और अगर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कॉपीराइट से रिलेटेड, स्ट्राइक से रिलेटेड, तो भाई को एक बार इंस्टाग्राम पर ज़रूर कॉन्टैक्ट कर लेना, जो भी पॉसिबल होगा मैं हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। लेकिन अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जब आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करते हो। मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री श्याम।